नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचकारी उपन्यास गैंग वॉर। बंदर के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। वह MBBS के इम्तिहान में पास हो गया। कैसे हो गया, यह खुद उसके लिए भारी हैरानी की बात थी। वह इतने सालों से हमेशा इम्तिहान में फेल होता आ रहा था, और फिर इस बार यह करामात कैसे हो गई। अंत में वह इसी नतीजे पर पहुंचा कि इस हादसे में निश्चय ही उसके करोड़पति बाप का हाथ था, जिसे उसका यूं लगातार विद्यार्थी बना रहना एक आंख नहीं सुहाता था। वैसे तो उसने बंदर के साथ कई जातियां की थी, जैसे उसने उसे अच्छा लड़का बनने को कहा, नशीली चीजों का सेवन करने से रोका, हर वक्त लड़कियों के चक्कर में पड़े रहने से रोका, अपने बाप की मान मर्यादा का ख्याल रखने की दुहाई दी। लेकिन बंदर की निगाह में यह उसके बाप की सबसे बड़ी जाति थी जो उसने बंदर के साथ की थी। डिग्री मिल जाने का मतलब था कि अब वह कुछ काम धंधा करे जो वह हरगिज नहीं करना चाहता था, और फिर अब उसकी कॉलेज जाने की इतनी पुरानी हॉबी छूटी जा रही थी। लड़कियां फंसाने की जितनी सुविधा कॉलेज में हासिल थी, वह अन्यत्र कहां हासिल होने वाली थी। बंदर न केवल पास हो गया, बल्कि उसके बाप ने उसको इंसान बनाने की दिशा में बकायदा अभियान आरंभ कर दिया। लोहार की जो पहली चोट बंदर की खोपड़ी पर पड़ी, वह यह थी कि उसको स्पेन की मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए बार्सिलोना जाना पड़ रहा था। यह भी उसके अत्यंत साधन संपन्न बाप द्वारा ही भिड़ाई गई कोई तिगड़म थी, जो बंदर डॉक्टर जुगल किशोर बन गया था और अब मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए स्पेन जा रहा था। फिर बंदर के पास होने के उपलक्ष्य में एक शोक सभा और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। हमेशा की तरह उस महत्वपूर्ण अवसर पर हाजिर होने के लिए बंदर ने सुनील को तार देकर बुलाया। सुनील को तार मिला तो उसने उसे पढ़ते ही रद्दी की टोकरी में डाल दिया। शाम को बंदर का टेलीफोन आ गया। बंदर बोल रहा हूँ, वह सुनील को लगभग धमकाता हुआ बोला। बोलो प्यारे लाल, सुनील बोला। तुम्हें मेरा तार मिला? मिला। फिर भी घर पर बैठे हो? हाँ। अजीब बेहूदे यार हो, किसी के गम में शरीक होने तक की तहजीब नहीं है तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? क्या कोई सहेली परलोक सिधार गई है? जैसे तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा उससे ज्यादा भयंकर धड़न तकता हो गया है। क्या हुआ है? मैं पास हो गया हूँ, वह आर्तनाद करता हुआ बोला। यह तो बधाई की बात है। अच्छे एंटीफ्लोजिस्टिन यार हो तुम, यहाँ बेजार बैठे हैं, तुम्हें अटखेलियां सूझी हैं। बकवास मत करो, बोलो चाहते क्या हो? तुम फौरन यहाँ आ जाओ। यहाँ कहाँ? अरे यहाँ मेरे पास। और तुम कहाँ हो? अपनी सहेलियों के बीच में। बंदर, सुनील उखड़कर बोला, मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं नहीं, बंदर हड़बड़ाकर बोला। ऐसा मत करना, तुम्हें जीनत अमान की कसम। तो ठीक से बोलो, मैं यहाँ जिमी के फ्लैट पर हूँ, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। किस लिए? मेरे अंतिम दर्शन करने के लिए। क्या आज ही आत्महत्या कर रहे हो? यही समझ लो, मैं नहीं आ सकता। क्यों? मेरे पास सवारी नहीं है, तुम जानते ही हो मेरी मोटरसाइकिल का सर्गवास हो चुका है। जानता हूँ, अब तो उसकी पहली बरसी भी करीब आ रही होगी। सुनो, मैं अपनी गाड़ी भेज देता हूँ। ओ नो, सुनील जल्दी से बोला, यह सजा मत देना, मैं वैसे ही आ रहा हूँ। पक्की बात? हाँ। खाओ जीनत अमान की कसम। जीनत अमान की कसम। दैट्स लाइक अ गुड बॉय, गॉड ब्लेस यू माई सन। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील फिर सूट पहनकर तैयार होने लगा। बंदर की खटारा कार सारे शहर में मशहूर थी। हॉर्न को छोड़कर कार के हर हिस्से में से आवाज निकलती थी। स्पीडोमीटर कई सालों से बेकार पड़ा था। कार की रफ्तार जानने का तरीका यह होता था कि 15 मील प्रति की रफ्तार पर दाहिना मडगार्ड हिलता था, 20 मील पर दाया बाया दोनों मडगार्ड हिलते थे, 25 मील पर फुटबोर्ड थरथराने लगता था, 30 मील पर कार की छत हिलने लगती थी और इंजन का एक एक पुर्जा खड़खड़ाने लगता था, 30 मील से अधिक तेज वह कार चलती ही नहीं थी। सुनील एक टैक्सी पर सवार होकर लिंटन रोड पहुंचा, जहां की जिमी का फ्लैट था। फ्लैट की घंटी बजाते ही बंदर बाहर निकला। सुनील ने देखा उसकी आंखों पर चश्मा नहीं था। उसने सुनील पर निगाह डाली और बोला, सलामी ले जाए जान। अबे बंदर के बच्चे, सुनील झल्ला कर बोला, नाक पर चश्मा लगा ले। बंदर ने उसे आवाज से पहचाना। उसकी निगाह इतनी कमजोर थी कि चश्मे के बिना उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी वह उस वक्त चश्मा नहीं लगाया था।
वह एकदम आगे बढ़कर बाहर गलियारे में आ गया और सुनील से लिपटकर रोने लगा। क्या हुआ? सुनील हड़बड़ाया। सुनील भाई, बंदर आर्तनाद करता हुआ बोला, मैं जा रहा हूँ। अबे, हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा, लेकिन जा रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ? क्या पहली बार कहीं जा रहा है? अपनी मर्जी के बिना तो पहली बार ही जा रहा हूँ। सुनील भाई, मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मरोगे नहीं। मेरी लड़कियों का क्या होगा? अगर वे तुम्हारे प्रति वफादार होंगी तो तुम्हारी फिराक में रो रो कर जान दे देंगी, और अगर वे वफादार न हुई तो तुम्हारे पीठ फेरते ही वे और यार पाल लेंगी। इसी बात का तो मुझे डर है। तो फिर जिन लड़कियों पर तुम्हें भरोसा नहीं, उन्हें अपने साथ ले जाओ। नहीं ले जा सकता, मेरा बाप मेरा धड़न तख्ता कर देगा। तो फिर भुगतो। और फिर मैंने सुना है कि स्पेन में यहाँ से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं। दरअसल तुम चाहते हो कि चित भी तुम्हारी हो और पट भी तुम्हारी हो और तिरछी भी मेरी हो। मुझे क्यों बुलाया है? ताकि तुम मेरे अंतिम दर्शन कर सको। शोक सभा तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी विदाई समारोह होना है। यहीं गलियारे में? नहीं, भीतर आओ, वह बोला, लेकिन उसने भीतर जाने का कोई उपक्रम नहीं किया। दरअसल मुझे तुमसे एक और भी काम है। क्या? तुम मेरे सबसे अधिक जिगरी दोस्त हो। मैं तुम्हें अपनी एक अमानत सौंप कर जाना चाहता हूँ। क्या? अपनी दो बेहद खास सहेलियाँ। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं एक महीने के लिए जा रहा हूँ। अपनी दो एकदम एंटी फ्लोजिस्टिन सहेलियाँ मैं तुम्हारे पास छोड़कर जाना चाहता हूँ, जो मैं वापसी में तुमसे ले लूँगा। तुम ही एक आदमी हो जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है तुम अमानत में खयानत नहीं करोगे। अबे बंदर, तू पागल तो नहीं हो गया? देखो, बंदर बड़ी संजीदगी से बोला, गर्लफ्रेंड हो या बीवी, उसे अपनी माँ बहन समझना चाहिए। समझूंगा, सुनील बात को टालने का उपक्रम करता हुआ बोला। अब मुझे भीतर आने दो। आओ, वह बोला। वह घूमा और सीधा दीवार से चा टकराया। अरे सुनील भाई, वह रुआंसे से स्वर में बोला, यह दरवाजा यहाँ से किसने हटा लिया? दरवाजा अपनी जगह मौजूद है, सुनील बोला। तो फिर चौखट पर कौन खड़ा था जिससे मैं अभी टकराया था? चौखट पर कोई नहीं खड़ा था, तुम दीवार से टकराए हो। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे साथ हो सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि चश्मा लगा लो। बंदर ने चश्मा नहीं लगाया। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा कि दरवाजा कहाँ था, और फिर सुनील का हाथ पकड़कर फ्लैट के भीतर दाखिल हुआ। सुनील ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। सुनील ने देखा भीतर 10-12 लड़के लड़कियां मौजूद थे। उनमें से कुछ सूरतें उसकी पहचानी हुई थी, कुछ एकदम नई थी। माहौल में बड़ी रंगीनी लग रही थी। हर कोई मौज मस्ती के मूड में था। टेप बज रहा था। एक कोने में मेज पर विस्की और जिन की कई बोतलें पड़ी थी, लेकिन वातावरण में फैले सिगरेट के धुएं में से चरस की गंध भी आ रही थी। सुनील ने सबका सामूहिक अभिवादन किया। आओ, तुम्हें उन लोगों से मिलाऊं जिन्हें तुम नहीं जानते हो, वह बोला। वह सुनील की बाँह थाम कर उसे एक युवती के पास ले आया और बोला, सुनील, यह कीर्ति है। और कीर्ति? जस्ट अ मिनट, सुनील ने उसे टोका। फिर वह उच्च स्वर में सबसे बोला, लड़कियों में बंदर की सबसे नई गर्लफ्रेंड कौन सी है? एक निहायत खूबसूरत लड़की तनिक सकुचाती हुई आगे बढ़ी और बोली, मैं। मैडम, तुमने गलती से बंदर को यह तो नहीं कह दिया था कि यह चश्मे के बिना ज़्यादा खूबसूरत लगता है? मैंने कहा था, वह बोली, लेकिन अब आप बराए मेहरबानी इसे विश्वास दिलाइए कि चश्मा लगाकर भी यह उतना ही खूबसूरत लगता है जितना चश्मे के बिना। लड़की चुप रही। ओह कम ऑन, डू व्हाट आई से, जुगल डार्लिंग, लड़की बड़े मीठे स्वर में बोली, चश्मा लगा लो। चश्मा लगाकर तुम बड़े इंटेलेक्चुअल लगते हो। बंदर ने बड़ी शराफत से कोट की जेब से अपनी जंगी चश्मा निकाला और उसे अपनी नाजुक सी नाक पर टिका लिया। फिर उसने यूं लड़की की तरफ देखा जैसे वह उससे तारीफ हासिल करना चाहता हो। ब्यूटीफुल, लड़की होठ चटकाकर बोली। थैंक्स बेबी, बंदर बोला। फिर उसने बात तरतीब लोगों से सुनील का परिचय करवाया। सुनील को मालूम हुआ कि उस सुंदर लड़की का नाम कीर्ति था। एक अन्य उतनी ही सुंदर लड़की रेखा थी, और ये वे दो लड़कियां थीं जिन्हें बंदर धरोहर के रूप में सुनील को सौंप कर जाना चाहता था। फिर किसी ने सुनील के हाथ में स्कॉच का एक पैक थमा दिया। बंदर लड़कियों के बीच घिरा बैठा था
और उन्हें पता नहीं क्या बातें सुना रहा था कि वे हंस हंस कर दोहरी हुई जा रही थी। काफी देर बाद वह सुनील के समीप आया और धम से उसके बगल में बैठ गया। मजा आ रहा है प्यारे भाई? बंदर ने पूछा। नहीं, सुनील बोला। बड़े ना शुक्रे यार हो। यार, ऐसी एंटी फ्लोजिस्टिन पार्टी चल रही है, इतनी धड़न तकता लड़कियां मौजूद हैं, और तुम कह रहे हो कि मजा नहीं आ रहा? ऐसी एंटी की पैंटी पू करने वाली बात क्यों करते हो? तुम स्पेन जा क्यों रहे हो? बता तो चुका हूँ, बाप भेज रहा है जबरदस्ती। बदकिस्मती से मैं पास जो हो गया हूँ। देख लेना, मैं मुल्क में इतनी धांधली नहीं चलने दूंगा। जब मैं इतने सालों से इतनी ईमानदारी से फेल होता आ रहा था, तो अब कैसे पास हो गया? तुम तो पत्रकार हो, तुम ही सोचो उस मुल्क का क्या अंजाम होगा जिसमें बंदर जैसे लोग MBBS के इम्तिहान में पास हो सकते हों। देखना, मैं मोरारजी को चिट्ठी लिखूंगा, मैं मांग करूंगा कि इस हादसे की जांच पड़ताल के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया जाए और उस आदमी को सख्त से सख्त सजा दी जाए जिसने मुझे पास करवाया है। चाहे वह तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, सुनील बोला। चाहे वह मेरा बाप ही क्यों ना हो, बंदर झोंक में बोला और फिर हड़बड़ाया। नहीं नहीं, वह नहीं, वह बहुत मारेगा मुझे। बंदर सुनो, पास हो गए हो तो क्या है, फिर कॉलेज में भर्ती हो जाओ, कोई और कोर्स कर लो। कैसे कर लूं, बाप नहीं करने देगा। रोना तो इसी बात का है कि आज तक मैं कोई कोर्स किए बिना भी इतने कोर्स करता चला रहा था कि कुर्बान। अब एक यह साला MBBS का कोर्स क्या कर लिया कि सारे कोर्स बंद होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी तो बात नहीं लगती, सुनील लड़कियों की तरफ एक निगाह डालकर बोला। हाँ, बंदर ने भी ललचाई आंखों से लड़कियों की तरफ देखा। एकदम से तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन खैर, वहाँ करोगे क्या तुम? बार्सिलोना में होने वाली मेडिकल कॉन्फ्रेंस में एक पेपर पढ़ूंगा। तुम? सुनील हैरानी से बोला। हाँ मैं। किस विषय पर? बच्चों की आंतों की बीमारियों के निदान पर। यह पेपर तुम पढ़ोगे? हाँ। एक अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस में? हाँ। जानते भी हो आंत क्या होती है? क्यों नहीं जानता, बंदर अकड़कर बोला। जिसमें मीट भर भर के सॉसेज और सलामी बनाई जाती है उसे आंत कहते हैं। शाबाश, तुम उस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जरूर सेंसेशन फैलाओगे। ऐसी ही बातें तुमने उस पेपर में लिखी हैं जो तुम यहाँ पढ़ने वाले हो। मुझे क्या मालूम? क्या मतलब? अरे, वह पेपर कोई मैंने थोड़े ही लिखा है। अगर मैं इतनी एंटी फ्लोजिस्टिन काबिलियत रखता होता तो क्या मेरे इम्तिहान में पास हो जाने की वजह से कोई शोक सभा हो रही होती? फिर तो यहाँ एक बधाई समारोह हो रहा होता बंदर के डॉक्टर बन जाने पर। डॉक्टर जुगल किशोर, MBBS, SIFLM, पार्क डेविस एंड एलेम्बिक। यह SIFLM क्या होता है? सुनील उलझनपूर्ण स्वर में बोला। स्पेशलिस्ट इन फैंसी लव मेकिंग, बंदर अकड़कर बोला। यह डिग्री है? ना सही, लेकिन MBBS के आगे लिखा होने से रौब तो पड़ता है। और यह पार्क डेविस एंड एलेम्बिक, यह तो दवाइयां बनाने वाली कंपनियों के नाम है। मालूम है, इनका डिग्री से क्या रिश्ता? इसका मतलब होता है कि ये डॉक्टर साहब इस कंपनी की दवाइयां खिलाकर मरीज को ठीक किया करते हैं। यह डिग्री हुई? नहीं तो ना सही। जो पेपर तुम पढ़ने जा रहे हो, वास्तव में वह किसने लिखा है? मालूम नहीं, बाप ने लिखवा कर दिया है। अगर किसी ने कॉन्फ्रेंस के दौरान इस विषय में तुमसे कोई सवाल पूछ लिया तो देखा जाएगा जो होगा। सुनील चुप रहा। तुम कभी स्पेन गए हो? बंदर ने एकाएक उससे पूछा। हाँ, गया हूँ, सुनील बोला। कैसी जगह है? बहुत बढ़िया, खास तौर से मैड्रिड, बार्सिलोना और कोस्टा बार्वा। फिर तो मैं वहाँ की खूब सैर करके आऊँगा। अभी तो तुम जाने के नाम पर रो रहे थे। वह तो अब भी रो रहा हूँ जाने के नाम पर, लेकिन जब पहुँच गया तो खूब मेला देख कर आऊँगा। आजकल है भी वहाँ मेला देखने का ही माहौल, बड़े अच्छे टाइम पर जा रहे हो। अच्छा? हाँ, आजकल वहाँ इतनी देशी विदेशी नौजवान लड़कियाँ जमा होती हैं जितनी एक साथ तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होंगी। सब एक से बढ़कर एक, कीर्ति और रेखा से भी बढ़कर। अरे, ये तो उनके सामने भेड़ बकरियाँ हैं। बंदर ने अविश्वासपूर्ण निगाहों से उसकी तरफ देखा। आजकल वहाँ बीच की यह हालत होती है कि उस पर लेटी लड़कियाँ ही दिखाई देती हैं, रेत नहीं दिखाई देती। अच्छा, इस मौसम में नौजवान मर्द तो वहाँ एक दुर्लभ चीज माना जाता है।
मर्द अच्छा बुरा कैसा भी हो, लड़कियां चील की तरह उस पर झपटती हैं। सच? हाँ, तुम्हारा थोबड़ा तो वैसे ही बड़ा नमकीन है। एंटीफ्लोजिस्टिन, बंदर ने संशोधन किया, नमकीन है, एंटीफ्लोजिस्टिन, बंदर जोर देकर बोला। ओके, यही एंटी समथिंग है। तुम्हें हासिल करने की खातिर तो वहां लड़कियों में जंग छिड़ जाएगी, तुम्हारी तो पांचों उंगलियां घी में होंगी। बाय गॉड, हाँ, इतनी खूबसूरत, सेक्सी और नौजवानों के जबरदस्त गले पड़ने वाली लड़कियां तुमने सारी दुनिया में नहीं देखी होंगी। तुम्हारा चश्मा ना चटक जाए तो कहना। सच कह रहे हो ना? एकदम सच कह रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं मातम मनाना बंद कर दूँ? फौरन बंद कर दो। कितनी देर के लिए वहां जा रहे हो? कॉन्फ्रेंस तो एक हफ्ते की है, लेकिन जो कुछ तुम कह रहे हो अगर वह सच है तो एक महीने से पहले तो मैं वहां से नहीं टलने वाला। बाकी के 3 हफ्तों में तुम कम से कम 20 कन्याओं का मान मर्दन तो कर ही लोगे। सच? बंदर हर्षित स्वर में बोला। एकदम सच। ओह ब्लास्ट कुमार, सुनील कुमार, यू आर ग्रेट, यू आर 100% एंटी फ्लोजिस्टिन। सुनो, तुम भी साथ चलो ना। फिर सुनील के कुछ कहने से पहले ही वह बोल पड़ा, नहीं नहीं तुम मत चलो, खामखा वहां मेरा स्कोप घट जाएगा और फिर यहाँ मेरी लड़कियों को कौन संभालेगा। सुनील चुप रहा। तो फिर मैं घोषणा कर दूं कि मातम मनाने की जरूरत नहीं, बंदर बोला, मैं खुशी से स्पेन जा रहा हूँ। कर दो, सुनील बोला। बंदर ने एक मेज पर चढ़कर वह घोषणा की। किसी ने कान भी नहीं दिया कि वह क्या कह रहा था, लेकिन बंदर ने कोई ऐतराज नहीं किया। उसके बाद कोई 1.5 घंटा वह पार्टी और चली। फिर सुनील को मालूम हुआ कि बंदर वहीं से सीधा एयरपोर्ट जाने वाला था। सब लोग फ्लैट से निकले और नीचे आए। बंदर की खटारा गाड़ी नीचे मौजूद थी। उसने उसी पर अपनी सहेलियों के साथ सवार होकर एयरपोर्ट जाने की घोषणा की, लेकिन किसी ने उसे ऐसा न करने दिया। सब नशे में थे, इसलिए यही मुनासिब समझा गया कि वे टैक्सियों पर एयरपोर्ट जाए। बड़ी मुश्किल से बंदर माना। सुनील, फिर वह सुनील से संबोधित हुआ, तुम कह रहे थे ना कि आजकल तुम्हारे पास कोई सवारी नहीं है? हाँ, सुनील सशंक स्वर में बोला, तुम मेरी गाड़ी रख लो। बंदर ऐसी दयानतदारी से बोला जैसे वह सुनील को कोहिनूर हीरा भेंट कर रहा हो। सुनील ने बहस नहीं की, वह बोला, ठीक है, शुक्रिया, लाओ चाबी। चाबी ले लो। बंदर जेब से चाबी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं? गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी? ऐसे, बंदर बोला, और उसने हवा में उछलकर एक जोर की लात कार के पृष्ठ भाग में जमाई। कार फौरन स्टार्ट हो गई। लड़कियां तालियां बजा बजा कर हंसने लगी। सुनील ने आगे बढ़कर जल्दी से इग्निशन बंद कर दिया। है या नहीं एकदम एंटी फ्लोजिस्टिन चीज, बंदर गर्व से बोला। बीवी जैसी वफादार और कॉल गर्ल जैसी आनंद देने वाली चीज है। कभी अड़ी करे तो एक प्यार का हाथ फेर दो, फिर भी अड़ी करे तो एक लाज जमा दो, बस हो गया धड़न तकता। मैं ध्यान रखूंगा, सिर्फ इसका ही नहीं, कीर्ति और रेखा का भी। मेरी ये दोनों लड़कियां तुम पर उधार हैं, वापस आकर वसूल कर लूंगा। अच्छा, लड़कियां सुनील को देखकर दांतों में होंठ दबा दबा कर हंस रही थी। फिर 3 टैक्सियों में सवार होकर वे एयरपोर्ट पहुंचे। वहां प्लेन में सवार होने के लिए जाने से पहले बंदर ने सबसे गले मिल मिलकर विदा ली। जाते ही सबको राजी खुशी का तार भेजने के वादे किए। लड़कियों से एक बार फिर गले मिला और फिर हसरत भरी निगाहों से कीर्ति और रेखा को देखता हुआ उस रास्ते की तरफ बढ़ गया जो रनवे पर खड़े प्लेन की तरफ जाता था। उस रोज रविवार था और सितंबर की 4 तारीख थी। परदेश में बंदर का पहला दिन यूं ही गुजरा। सफर की थकावट की वजह से वह सैर सपाटे में कोई रस न ले सका। वैसे भी क्योंकि उसे हर वक्त दोस्तों और सहेलियों से घिरे रहने की आदत थी, इसलिए वह वहां उदास सा हो गया था। अगले दिन सुबह जब वह सैर सपाटे के इरादे से होटल से निकलने वाला था तो लॉबी में होटल के मैनेजर ने उसे टोका। डॉक्टर जुगल किशोर, उसने पूछा। यस, बंदर बोला, क्या आपसे कोई मिलने आने वाला था? मुझसे नहीं तो, कल रात एक आदमी आपको पूछ रहा था। कैसा आदमी था वह? आप ही के वतन का था, हिंदुस्तानी, बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति लग रहा था वह। सफेद बाल थे उसके और वह एक बड़ी कीमती सूट पहने था। मैं तो ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। अच्छा, कह क्या रहा था वह?
वह यहाँ पहुँचा था, मैनेजर तनिक उलझनपूर्ण स्वर में बोला। उसने मुझसे पूछा था कि यहाँ डॉक्टर साहब कहाँ ठहरे हुए हैं। मैंने पूछा कौन से डॉक्टर साहब। दरअसल यहाँ और भी दो डॉक्टर ठहरे हुए हैं, लेकिन वे स्वीडिश हैं। उसने कहा हिंदुस्तानी डॉक्टर साहब। बंदर बड़ा हैरान हुआ। जुम्मा जुम्मा 8 रोज उसे डॉक्टर बने हुए थे। यहाँ परदेश में बतौर डॉक्टर उसे कौन जानता हो सकता था। अच्छा फिर, प्रत्यक्षता वह बोला। मैंने उससे पूछा कि क्या वह डॉक्टर जुगल किशोर के बारे में पूछ रहा था। वह बोला हाँ वही। फिर उसने एक बड़ी अजीब हरकत की। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और होटल से बाहर निकल गया। यानी कि ना उसने मुझसे मिलने की कोशिश की और ना मेरे कमरे का नंबर पूछा। जी हाँ। अपना नाम बताया था उसने? जी नहीं, लेकिन वह कह रहा था कि वह फिर किसी वक्त आपसे संपर्क स्थापित करेगा। कमाल है, बंदर बोला। मस्ट बी अ वेरी नॉन सच ऑफ करेक्टिव पर्सन। जी, मैनेजर उलझनपूर्ण स्वर में बोला। बंदर की अंग्रेजी समझना तो अंग्रेजों की भी बस की बात नहीं थी, वह तो स्पेनिश था। नेवर माइंड, बंदर बोला। अगर वह दोबारा आए तो उससे उसका नाम जरूर पूछ लेना, और अगर वह कोई संदेशा छोड़ जाए तो और भी अच्छा है। मैं शायद दिन भर वापस ना लौटूं। सी सिनोर, बंदर होटल से निकल आया। वह इसी नतीजे पर पहुंचा कि शायद वह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आया कोई और हिंदुस्तानी डॉक्टर था, जो सिर्फ हम वतनी होने की वजह से ही उससे मिलने को इच्छुक था। वह तोसा देलमार बीच पर पहुंचा। उस बीच की जिस विशेषता का जिक्र सुनील ने किया था, वह निश्चय ही वहां दिखाई दे रही थी। बीच पर इतनी लड़कियां मौजूद थी कि बीच की रेत तो दिखाई दे ही नहीं रही थी। केवल लेटी बैठी युवतियों के अर्ध नग्न और लगभग नग्न धूप में चमकते शरीर दिखाई दे रहे थे। कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो एकदम नग्न लग रही थी, लेकिन बड़े गौर से देखने पर मालूम होता था कि वे कुछ पहने थी। वहाँ हर मुल्क की, हर कद काठी की, हर बनावट की, हर किस्म की लड़कियां मौजूद थी, और आदमी तो बड़ी मुश्किल से कोई इक्का दुक्का ही दिखाई दे रहा था। बंदर को यूं लगा जैसे वह किसी पुरुषों के लिए वर्जित स्थान पर आ गया हो, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं थी। अब धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि वह भारत में नहीं था, और जहाँ वह था वह एक निहायत रंगीन जगह थी। अब उसे इस बात से शिकायत खत्म होती जा रही थी कि वह जबरदस्ती भारत से धकेला गया था। वह बहुत खुश हो गया। उसने एक बियर हासिल की, उसके 2 घूंट लगाए और फिर बोतल के मुंह में दाएं हाथ की उंगली फंसाकर उसे थामे वह बीच पर टहलने लगा। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद बियर चुसकता जा रहा था और बड़े इत्मीनान से पानी के साथ साथ बीच पर चल रहा था। कुछ लड़कियां बड़ी बेबाक निगाहों से उसे देख रही थी, कुछ यह जाहिर करती हुई देख रही थी जैसे वे न देख रही हों। तभी उन सैकड़ों हजारों लड़कियों में उसे एक ऐसी लड़की दिखाई दी जो वाकई लाजवाब थी। वह बीच पर पीठ के बल लेटी हुई थी। उसके जिस्म के कटाव ऐसे थे जैसे संगमरमर से तराश कर बनाए गए हों। उसके जिस्म की रंगत दूधिया थी, बाल गहरे काले थे, होठ गुलाब की पंखड़ियों की तरह गुलाबी और मुलायम थे, और लाल रंग का जो पिकनी सूट वह पहनी थी वह न होने के बराबर था। बंदर ने मन ही मन अपनी तमाम नई पुरानी सहेलियों के साथ उसकी तुलना करके देखी और अंत में इसी फैसले पर पहुंचा कि उसका ऐसा धड़न तकता आज तक किसी लड़की ने नहीं किया था। अभी तक वह कीर्ति, रेखा, नीता, गीता, पपीता, फजीता वगैरह के सपने देख रहा था, और अब वह उन्हें जबरदस्ती धकेल धकेल कर अपने जहन से रुखसत कर रहा था। उसने देखा कि लड़की की आंखें बंद थी, शायद वह सो रही थी। वह हौसला करके उसके एकदम समीप पहुंच गया। लड़की को उसकी खबर नहीं लगी मालूम होती थी। उसे नहीं मालूम था कि उसकी निहायत बारीक निगाहें उसके जिस्म के एक एक इंच भाग पर फिर रही थी। तभी बड़ी अप्रत्याशित गड़बड़ हो गई। बंदर का चश्मा उसकी नाक से पता नहीं कैसे फिसला और वह एक हल्की सी थप की आवाज के साथ लड़की के नर्म मुलायम पेट पर जाकर गिरा। लड़की ने चौंक कर आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। बंदर हड़बड़ाकर तुरंत एक कदम पीछे हट गया। लड़की ने हाथ बढ़ाकर अपने पेट पर से चश्मा उठा लिया। यह मुझे दे रहे हो? वह नम्र स्वर में बोली। नहीं, मेरा मतलब है ले लो। फिर वह तनिक संभरा। लेकिन यह तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। क्यों? जरा इसे पहन कर देखो।
लड़की ने चश्मे को कमानियों से पकड़कर बड़ी नजाकत से अपनी आंखों के सामने किया, लेकिन उसने तुरंत चश्मा परे हटा लिया और आंखें मिचमिचाने लगी। यह चश्मा है या दूरबीन? बड़ी नॉन टेक्नोब्लास्टिक चीज है, बंदर उत्साहपूर्ण स्वर में बोला। क्या चीज? नॉन टेक्नोब्लास्टिक। वह क्या होती है? जो तुम्हारे हाथ में है। वह तो हुआ, लेकिन यह नॉन टेक्नोकास्टिक, टेक्नोब्लास्टिक, यह कौन सी भाषा का शब्द है? मालूम नहीं। लड़की ने सख्त हैरानी से उसकी तरफ देखा। दरअसल यह नजर का चश्मा है, बंदर ने बताया, और शायद संसार में अपनी किस्म का इकलौता चश्मा है। मुझे तो इसमें कोई खासियत दिखाई नहीं देती, सिवाय इसके कि इसके शीशे बहुत मोटे हैं और फ्रेम की कमानियां बहुत चौड़ी हैं, और यह कि तुम्हारी नाक इस चश्मे का बोझ संभालने लायक मजबूत नहीं दिखाई दे रही। लेकिन हकीकतन इसमें बहुत विशेषताएं हैं। हकीकतन यह बहुत उत्तर उत्तर दक्षिण वक्षिण किस्म का चश्मा है। इसके एक एक शीशे में 8-8, 10-10 नंबर हैं, यानी कि एक ही शीशे में ऊपर के हिस्से का नंबर और है, दाईं ओर के 2-3 नंबर और हैं, और बाईं ओर के नंबर और हैं। यहाँ तक कि चश्मे के फ्रेम में भी 2-3 नंबर हैं। माय गॉड, ऐसे चश्मे के बिना तो मैं तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रही होंगी। कुछ कुछ दिखाई दे रही हैं आप, बंदर तनिक शर्मा कर बोला। सारी नहीं दिखाई दे रही आप, लेकिन देखने लायक जगहों पर आप खूब दिखाई दे रही हैं। लड़की ने चुपचाप चश्मा उसे थमा दिया। बंदर ने फौरन चश्मा नाक पर लगा दिया और लड़की बोली, अगली बार सावधान रहना। यह चश्मा यूं किसी और लड़की पर गिरा होता तो तुम्हारी शामत आ जाती। क्या शामत आ जाती? बड़ी हद वह चश्मा ही तो हजम कर जाती जो कि उसके लिए बेकार। वह तुम्हें भी हजम कर जाती। ऐसी तगड़ी आशिकी में फंसते तुम कि जिंदा ना बच पाते। आशिकी इतनी खतरनाक होती है यहाँ? हाँ। मुझे नहीं मालूम था, यहाँ नए आए मालूम होते हो। हाँ, कल ही आया हूँ। कोई बात नहीं, सीख जाओगे, सब सीख जाओगे, बल्कि यूँ समझो कि सिखा दिए जाओगे। बंदर चुप रहा, वह वहीं ठिठका खड़ा रहा। पता नहीं क्यों उसका वहां से हिलने को जी नहीं चाह रहा था। तुम डॉक्टर हो? लड़की ने पूछा। बंदर चौंका। हे भगवान, क्या उसके वहां पहुंचने से पहले सारे स्पेन में उसके बारे में इश्तिहार पड़ गए थे कि वह डॉक्टर था? उसने हैरानी से लड़की की तरफ देखा और फिर बोला, कैसे जाना? बस जान दिया, वह लापरवाही से बोली। फिर भी डॉक्टर लोग और लोगों के मुकाबले में जरा ज्यादा साफ सुथरे रहते हैं। बंदर आश्वस्त न हुआ, वह कोई दलील न थी। आखिर वह उसके लिए नितांत अजनबी लड़की कैसे जानती थी कि वह डॉक्टर था? और फिर वह वास्तव में डॉक्टर था भी कहाँ? उसे डिग्री ही तो हासिल हो गई थी, उसके अलावा डॉक्टर वाली कौन सी बात थी उसमें? बस, प्रत्यक्षता वह बोला, इतनी सी बात से तुमने जान लिया कि मैं डॉक्टर हूँ? तुम डॉक्टर हो या नहीं? नाम को तो हूँ, लेकिन देयर यू आर। लेकिन फिर भी, लड़की ने उसके हाथ में थमी बोतल की ओर संकेत किया और बोली, यह बियर है? हाँ। अभी ठंडी है? हाँ। जरा दिखाओ तो। बंदर ने बोतल के मुंह से उंगली निकाली और बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। लड़की ने बोतल ले ली, उसने उसमें से एक बड़ा सा घूंट भर लिया। फिर वह बोली, क्यों बिजली के खंभे की तरह मेरे सिर पर खड़े हो, बैठ जाओ। बंदर उसके समीप बैठ गया। लड़की ने बोतल में से एक घूंट और पिया और बोतल उसे वापस थमा दी। क्या ये वाकई बहुत आकर्षक है? एकाएक वह सहज भाव से बोली, क्या? बंदर हड़बड़ाया, वही जिन्हें तुम इतनी देर से अपलक देख रहे हो। बंदर का चेहरा कानों तक लाल हो गया। उसे यूं लगा जैसे वह चोरी करते पकड़ा गया हो। उसने तुरंत लड़की के उन्नत डोल और लगभग नग्न उरोजों पर से अपनी निगाह हटा ली। लड़की बड़ी शरारती अंदाज से मुस्कुराती हुई बोली, तुमने जवाब नहीं दिया। बंदर एक क्षण चुप रहा और हिम्मत बांधकर बड़ी दिलेरी से बोला, हाँ, ये वाकई बहुत आकर्षक है। उसका ख्याल था कि लड़की खफा होगी, लेकिन वह मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। दे आर ग्रेट, बंदर बोला, बट नॉट द ग्रेटेस्ट। अच्छा, उसकी मुस्कुराहट तनिक बुझ गई। आई हैव सीन बेटर पेयर। ऐसी चीजों की बहुत समझ मालूम होती है तुम्हें। एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बंदर बड़ी संजीदगी से बोला, लेकिन जब कोई एंटीफ्लोजिस्टिन चीज देखता हूँ तो पहचान लेता हूँ। एक्सपर्ट बनना चाहते हो?
लड़की के स्वर में चैलेंज का पुट था। मुझे कोई ऐतराज नहीं, बशर्ते कि इस बात की गारंटी हो कि परदेश में मेरी एंटी की पैंटी पू नहीं हो जाएगी। तुम्हारी भाषा बड़ी अजीब है, तुम ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो जो मैंने आज तक नहीं सुने, लेकिन मतलब तो समझ जाती हो ना। हाँ, फिर हुई ना यह सांचो कलेक्टिव भाषा, एकदम धड़न तकता। यहाँ काम से आए हो या तफरी के लिए? दोनों के लिए। विवाहित हो? नहीं। अपने बारे में और कुछ बताओ, शुरुआत नाम से करो। मेरा नाम बंदर है, मेरा मतलब है जुगल किशोर है। यहाँ एक सप्ताह तक चलने वाली मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए भारत से आया हूँ, लेकिन इरादा यहाँ एक महीना रहने का है। बाकी के 3 सप्ताह मैं तफरी में गुजारना चाहता हूँ। तफरी ऐसे ही करोगे जैसे अब कर रहे हो? यह भी बुरी नहीं, कोई बेहतर राय दे सकती हो तो मुझे वह भी कबूल होगी। जरा बोतल फिर दिखाना। बंदर ने उसे बोतल थमा दी। लड़की ने बियर का एक बड़ा सा घूंट भरा और बोली, अब तुम मेरे बारे में जानना चाहोगे है ना? मेरा नाम रूबी है, एयर होस्टेस हूँ, यहाँ छुट्टियाँ मनाने आई हूँ। हेलो रूबी, बंदर बोला। हेलो डॉक्टर, वह बोली। उसने बोतल फिर मुंह से लगाई, फिर उसने बोतल वापस बंदर को थमा दी। बंदर ने देखा बोतल खाली थी, उसने बोतल एक तरफ लुढ़का दी। हिंदुस्तानी हो? बंदर ने पूछा। 50%, रूबी बोली। क्या मतलब? माँ हिंदुस्तानी, बाप ऑस्ट्रियन। आई सी, यह चश्मा गिराने वाली ट्रिक अभी तक कितनी लड़कियों पर आजमा चुके हो? वो कोई ट्रिक नहीं थी, महज इत्तफाक था कि चश्मा मेरी नाक से फिसल कर तुम्हारे ऊपर गिर गया था। क्या कहने, चलो यही बता दो कि ऐसा इत्तफाक पहले कितनी बार हो चुका है? एक बार भी नहीं, यह पहला मौका है। सच कह रहे हो? हाँ। फिर तो मुझे अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि यहाँ मौजूद इतनी लड़कियों में से यह इत्तफाक मेरे साथ हुआ। और लड़कियों के साथ यह इत्तफाक हो ही नहीं सकता था, मैं किसी के पास रुका ही नहीं था, जबकि तुम्हारे पास पहुँचते ही मेरे कदम यहीं जम कर रह गए थे। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, इसी बात पर मेरे साथ लंच हो जाए? हो जाए, वह बड़ी फराक दिली से बोली। और डिनर भी? वह भी हो सकता है अगर तुम चाहते हो तो। मैं तो बहुत चाहता हूँ, तभी तो कहा है। मैं आसानी से पीछा छोड़ने वाली लड़की नहीं हूँ, फंस जाओगे। मुझे उससे भी कोई ऐतराज नहीं है। फिर ठीक है। तभी एक स्पेनिश नौजवान लगभग भागता हुआ वहाँ पहुँचा। वह एक मामूली सा परिधान पहने था और पैरों से नंगा था। उसने एक बार भयभीत भाव से बीच पर चारों तरफ निगाह फिराई और फिर बोला, डॉक्टर जुगल किशोर? वह हाँप रहा था। हाँ, बंदर सशंक स्वर में बोला। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। बंदर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, उसने उस व्यक्ति की सूरत पहले कभी नहीं देखी थी। क्या बात है? उसने पूछा। आप मेहरबानी करके जरा मेरे साथ आइए, वह व्यक्ति बोला, मैंने आपसे बात करनी है। इस वक्त? उसने रूबी की तरफ देखा। इस वक्त मैं व्यस्त हूँ, बात बड़ी जरूरी है डॉक्टर, वह बोला। उसकी आंखें रह रहकर बड़े व्याकुल भाव से पीछ पर चारों तरफ फिर जाती थी। अगर बात इंतहाई जरूरी न होती तो मैं जिद न करता। डॉक्टर प्लीज जरा मेरे साथ चलिए। कहाँ? पास ही, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बंदर हिचकिचाया और फिर उठ खड़ा हुआ। वह आदमी उसका पीछा छोड़ता नहीं मालूम होता था। वह लड़की से बोला, मैं अभी आया। लड़की ने लापरवाही से कंधे झटकाकर सहमति जता दी। मेरे लौटने तक तुम यहाँ से चली तो नहीं जाओगी रूबी? बंदर ने पूछा। मुमकिन है, वह बोली। वह फिर लेट गई और उसने आंखें बंद कर ली। वह आदमी बंदर की बांह खींच रहा था। चलो डॉक्टर प्लीज चलो। बंदर उसके साथ हो लिया। वह आदमी उसे वहां से काफी परे ले आया तो बोला, डॉक्टर आपको मालूम है आपको किस चक्कर में फंसाया जा रहा है? अगर मैं डॉक्टर हूँ तो तुम जरूर शहंशाह अकबर हो, बंदर बोला। मजाक मत कीजिए। किस्सा क्या है, क्यों तुम्हारी एंटी की पैंटी पू हुई जा रही है? डॉक्टर आप वह काम मत कीजिएगा, हरगिज मत कीजिएगा। क्या कह रहे हो? बंदर हैरानी से बोला। क्या हरगिज मत करूँ मैं, उस लड़की से बात ना करूँ? बात को समझने की कोशिश कीजिए। अरे तुम कुछ समझाओगे तो मैं समझूंगा ना, अजीब एंटीफ्लोजिस्टिन आदमी हो। डॉक्टर तुम्हें कैसे मालूम है मैं डॉक्टर हूँ? डॉक्टर आपके लिए यही अच्छा होगा
कि आप फौरन स्पेन से कूच कर जाएं। क्या? जी हाँ, आपको फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन मैं तो अभी यहाँ आया ही हूँ। फिर भी आपको चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोलो बोलो। आपको पोस्टमार्टम हरगिज नहीं करना चाहिए। आपको इस काम के लिए राजी नहीं होना चाहिए। कैसा पोस्टमार्टम? प्लीज डॉक्टर, वह आदमी तनिक झुंझलाए स्वर में बोला, विस्तार में जाने का समय नहीं है। आप सब जानते हैं मैं एक दोस्त की हैसियत से आपको चेतावनी देने के लिए आया हूँ। पोस्टमार्टम मत कीजिएगा। पता नहीं क्या कह रहे हो, बंदर बोला। उसे चिढ़ चढ़ने लगी थी। पता नहीं कौन था वह आदमी जो ऐसी पागलों जैसी बातें कर रहा था। स्पेन से कूच कर जाओ, पोस्टमार्टम मत करो। जैसे वह पोस्टमार्टम कर ही सकता था, लाश देखकर तो उसे गश आने लगता था। वह क्या पोस्टमार्टम करता? पता नहीं हर कोई क्यों उसे इतनी गंभीरता से डॉक्टर डॉक्टर कह रहा था। वह उन लोगों को कैसे समझाता कि वह केवल इसलिए डॉक्टर था क्योंकि दुर्भाग्य से उसे डिग्री मिल गई थी, अन्यथा डॉक्टरी से उसका मीलों दूर का रिश्ता नहीं था। वैसे वह खुश भी था कि उसे एक प्रतिष्ठित डॉक्टर समझा जा रहा था, लेकिन लोगों पर रौब गालिब करने की हद तक ही, उस पागल की बकवास सुनने के लिए नहीं। यह एक बड़ी गंभीर बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, वह आदमी फिर बोला। इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सामने वायदा करें कि आप पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। कैसा पोस्टमार्टम? बंदर ने फिर पूछा। अगर आप यह पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आप भारी मूर्खता करेंगे, वह आदमी बोला। वो लोग आपको कितना ही लालच क्यों न दें, आप? मुझे किसी ने कोई लालच नहीं दिया है। मेरी समझ में कतई नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। मैं? सुनो, वह आदमी एकाएक कहर भरे स्वर में बोला, अगर तुमने पोस्टमार्टम किया तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे, समझे? हम तुम्हारा खात्मा कर देंगे, याद रखना। और फिर वह क्रोध में भुनभुनाता हुआ लंबे डग भरता वहां से चला गया। बंदर हक्का बक्का सा उसे जाता देखता रहा। फिर वह भारी कदमों से वापस लौटा। यह देखकर उसकी जान में जान आई कि रूबी यथास्थान मौजूद थी। क्या बात थी? वह समीप पहुंचा तो रूबी ने पूछा। पता नहीं, अजीब सांचो कलेक्टिव आदमी था, बंदर उसके समीप बैठता हुआ बोला। साला बार बार एक ही बात कही जा रहा था, पोस्टमार्टम मत करना, पोस्टमार्टम मत करना। स्पेन के लोगों के दिमाग के कल पुर्जे कुछ ढीले होते हैं। जल्दी ही यह बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। वैसे मुमकिन है कि वह तुम्हें कोई और समझा हो, किसी और के धोखे में वह तुमसे इतनी बातें कर गया हो। हो सकता है, बंदर बोला। उसे कोई धोखा तो हुआ ही है। मुझे तो पोस्टमार्टम करना आता तक नहीं है, मैं तो नाम का ही डॉक्टर हूँ। रूबी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सच? बंदर बोला, मैं तो थर्मामीटर पर टेम्परेचर पढ़ लूँ तो गनीमत समझो। कमाल है, तुम तो कह रहे थे कि तुम यहाँ मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आए हो। मैं ठीक कह रहा था, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर नहीं हूँ। कम से कम जैसा डॉक्टरों को होना चाहिए वैसा डॉक्टर नहीं हूँ। कमाल है, रूबी फिर बोली। बंदर बेमानी सी हंसी हंसा। मुझे भूख लगी है, तुम तो मुझे लंच पर ले जाने वाले थे। चलो ना, मना कौन कर रहा है। वह उठ खड़ी हुई और अपनी लंबी सुरोल टांगों पर से रेत झाड़ने लगी। बंदर प्रशंसात्मक नेत्रों से उसके सांचे में ढले शरीर को देखता रहा। शाम को लगभग 4 बजे वह वापस अपने होटल के कमरे में लौटा। रूबी के साथ उसका बड़ा अच्छा वक्त कटा था और वह संतुष्ट था। शाम को डिनर के लिए वह फिर रूबी से मिल रहा था, इसलिए शाम से पहले वह थोड़ा आराम कर लेना चाहता था। उसने कपड़े उतारे, ड्रेसिंग गाउन पहना और पलंग पर लेट गया। उसने चश्मा उतार कर बगल की मेज पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसे यूं अनुभव हुआ जैसे दरवाजे पर दस्तक पड़ रही थी। वह हड़बड़ाकर उठा और आगे बढ़ा। उसने आगे बढ़कर बाथरूम का दरवाजा खोला और बोला, फरमाइए। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी तो उसे महसूस हुआ कि वह दरवाजा नहीं था जो उसने खोलना था। तभी उसे याद आया कि उसकी आंखों पर चश्मा नहीं था। वह दरवाजे की तरफ बढ़ने के स्थान पर वापस पलंग की तरफ बढ़ा तो रास्ते में एक सोफे से टकरा गया। माफ करना भाई साहब, वह बड़े विनीत भाव से बोला। उसने मेज के पास पहुंचकर अपना चश्मा उठाकर आंखों पर लगाया और उधर देखा जहां वे भाई साहब बैठे होने चाहिए थे जिनसे कि वह टकराया था। वहां किसी को न पाकर
उसने उलझनपूर्ण भाव से कंधे झटकाए। दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी। बंदर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने एक जैसे काले सूट पहने चार आदमी खड़े थे। तीन नौजवान थे और एक सफेद बालों वाला अधेड़ आयु का व्यक्ति था। उनकी सुरुत से यूं लगता था जैसे अभी अभी उनको अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार की मौत की खबर मिली हो। डॉक्टर जुगल किशोर, अधेड़ आयु वाला व्यक्ति तनिक आगे बढ़कर बोला। हाँ, बंदर बोला, हम ऐसे गैर मुनासिब वक्त आपको तकलीफ देने आए, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। लेकिन विश्वास जानिए, अगर हमारा आना निहायत जरूरी ना होता तो हम हरगिज ना आते। एक हम वतनी होने के नाते तशरीफ लाइए, बंदर एक और हटता हुआ बोला। अधेड़ आयु का व्यक्ति भीतर दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे बाकी तीनों युवक भी कमरे में आ गए, लेकिन बैठने का उपक्रम किसी ने न किया। मेरा नाम मनमोहन चावला है, अधेड़ आयु का व्यक्ति बोला। ये तीनों मेरे भतीजे हैं। उसने एक एक की ओर संकेत करके उनके नाम बताए। राम चावला, लक्ष्मण चावला, भरत चावला। भतीजों ने बंदर का अभिवादन किया। शत्रुघ्न चावला नहीं आया? बंदर ने पूछा। मनमोहन चावला ने आहत भाव से बंदर की तरफ देखा। ओह सॉरी, बंदर बोला। सब खामोश रहे। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आप लोगों की? बंदर ने पूछा। हम एक बड़ी ही मुश्किल की घड़ी में आपके पास आए हैं डॉक्टर, मनमोहन चावला गमगीन स्वर में बोला। हमारे साथ एक भारी ट्रेजेडी हो गई है। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बयान करूं। हम सभी को इससे भयंकर सदमा पहुंचा है। मुझे अफसोस है, बंदर बोला। उसे उसके सिवाय और कुछ कहना ना सूझा। परिवार में एक मौत हो गई है, मनमोहन चावला बोला। मेरा बड़ा भाई हरबंस लाल चावला परलोक सिधार गया है बार्सिलोना में। मौत यूं एकाएक हुई है कि कुछ कहते नहीं बनता। कैसे हुई मौत? वह मार डाला गया। मेरा भाई बड़ी भयंकर जिंदगी जीता था, इसलिए उसकी मौत भी बड़ी भयंकर हुई। हमें मालूम था कि एक ना एक दिन उसका यही अंजाम होना था। जैसे उसके कर्म थे वैसा ही तो उसे फल मिलना था। हम उसके इस अंजाम के लिए मानसिक रूप से तैयार थे, लेकिन फिर भी जब वह मरा तो हमें भारी सदमा पहुंचा। आखिर वह हमारा खून था। हम उसकी मौत को तटस्थ भाव से कैसे देख सकते थे? हमें बहुत मोहब्बत थी उससे। एकाएक उसने अपने हाथों में अपना मुंह छुपा लिया और धीरे से बुदबुदाया, दाता। बंदर कुछ क्षण उलझनपूर्ण ढंग से बारी बारी एक एक का मुंह देखता रहा और फिर बोला, आप मेरे पास किस लिए आए हैं? मनमोहन चावला ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन उसका गला रुध गया। फिर वह धीमी धीमी हिचकियां लेता हुआ रोने लगा। तीनों भतीजों में से एक आगे बढ़ा और सांत्वनापूर्ण स्वर में बोला, चाचा जी हौसला रखिए। फिर वह बंदर की तरफ घूमा। अपने भाई की मौत का सबसे अधिक सदमा चाचा जी को पहुंचा है, वह बोला। डॉक्टर, हमारा बाप कोई अच्छा आदमी नहीं था। जिंदगी भर उसकी वजह से कोई ना कोई बखेड़ा ही होता रहा, लेकिन फिर भी बाप बाप होता है, भाई भाई होता है। आप ठीक कह रहे हैं, बंदर बोला। एक तो पापा की मौत हो गई, ऊपर से सरकार इतने कानूनी अड़ंगे लगा रही है कि हम परेशानी में पागल हुए जा रहे हैं। बंदर के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। वह मूर्खों की तरह पलके झपकाता खामोश खड़ा रहा। हमारी समस्या यह है कि हम पापा के पार्थिव शरीर को वापस हिंदुस्तान ले जाना चाहते हैं। अपने मुल्क से उन्हें बहुत प्यार था और उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उनका अंतिम संस्कार हिंदुस्तान में ही किया जाए। इसमें समस्या क्या है? आप जरूर कीजिए ऐसा। बड़ी पेचीदगियां हैं। कैसी पेचीदगियां हैं? युवक एक क्षण हिचकिचाया और फिर बोला, चाचा जी आप बताइए। मनमोहन चावला ने रोना बंद किया और फिर धीरे से बोला, भारत में मेरे भाई के खिलाफ इनकम टैक्स का एक केस था। हालांकि वह केस झूठा था। मेरा भाई अपना इनकम टैक्स हमेशा पूरी ईमानदारी से अदा किया करता था, लेकिन वह 5 साल पहले हालात से घबरा कर भारत से भागकर स्पेन आ गया था। यानी कि भारत में उसका दर्जा फरार मुजरिम जैसा है, यही समझ लीजिए। अब इसी वजह से कुछ ऐसी पेचीदगियां सामने आ रही हैं कि हम आम तरीकों से उसकी लाश को वापस भारत नहीं ले जा सकते, लेकिन हमें उसकी अंतिम इच्छा का, उसकी भावनाओं का ख्याल भी रखना है। हरबंस लाल चाहता था कि हिंदुस्तान में वही उसका दाह संस्कार किया जाए जहाँ की वह पैदा हुआ था। ओह, लेकिन उसका धड़न तख्ता हुआ कैसे? जी, मेरा मतलब है कि वह मारा कैसे गया?
कल रात बार्सिलोना में किसी ने उसे गोली मार दी थी। किसी से उसकी अदावत या कोई दुश्मनी रही होगी। असली बात तो हमें मालूम नहीं। हत्यारा पकड़ा गया? जी नहीं, ना पकड़ा गया है और ना पुलिस उसकी तलाश के लिए तैयार है। यहाँ की पुलिस द्वारा भी मेरा भाई, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता था। आप लोग यहीं अपने भाई के साथ रहते थे? नहीं, हम तो भारत से आए हैं उसकी लाश वापस ले जाने के लिए। लाश वापस ले जाने के खिलाफ तो कोई कानून नहीं है, लेकिन कानूनी पेचीदगियाँ बहुत है। जैसे? जैसे पहले लाश का पोस्टमार्टम करवाना जरूरी है। पोस्टमार्टम? एकाएक बंदर के शरीर में ठंडक की एक लहर दौड़ गई। उसे बीच पर मिले स्पेनिश की चेतावनी याद आने लगी। पोस्टमार्टम क्यों? वह बोला, यहाँ का यही कानून है कि इस प्रकार स्पेन से बाहर लाश ले जाई जाने पर पहले लाश का पोस्टमार्टम करवा कर मुनासिब सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी होता है। तो फिर करवा लीजिए, इसमें समस्या क्या है? पोस्टमार्टम कोई समस्या नहीं है, समस्या यह है कि हरबंस लाल चावला की लाश को अगर भारत ले जाया जाना है तो उसका पोस्टमार्टम किसी भारतीय डॉक्टर द्वारा ही किया जाना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? हो रहा है, होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है। मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई नियम बड़ा मूर्खतापूर्ण है, लेकिन वह नियम हमने नहीं स्पेन की सरकार ने बनाया है। अब हम या तो नियम को चैलेंज कर लें और या भाई की लाश को भारत ले जाएं। दोनों में से एक ही काम हो सकता है। आपको भारतीय दूतावास से सहायता लेनी चाहिए। हम वहां गए थे लेकिन वे कहते हैं कि अगर स्पेन की सरकार का ऐसा कोई नियम है तो इसमें वे क्या कर सकते हैं। डॉक्टर, यह ना भूलिए कि मेरा भाई एक मामूली आदमी था और दोनों देशों की सरकारों की निगाह में अपराधी था। उसकी मदद करने में भला कौन दिलचस्पी लेगा? दूतावास वाले तो इस मामले में एक उंगली भी उठाने को तैयार नहीं। वे तो याद भी नहीं करना चाहते कि हरबंस लाल चावला का कभी कोई अस्तित्व था। वे तो यह भी नहीं चाहते कि वह मुर्दा भी भारत वापस लौटे। उसका बस चले तो वे इस मामले में स्पेन की सरकार से भी ज्यादा अड़ंगे लगाने की कोशिश करें, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि वे ऐसा कर नहीं सकते। कानूनी तौर पर लाश को भारत ले जाया जा सकता है, लेकिन यह पोस्टमार्टम वाला अड़ंगा हमें बहुत परेशान कर रहा है। मेरी समझ में तो वह बात ही नहीं आ रही है। यह तो एक बड़ी ही अजीब और अनोखी बात है कि पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भारतीय ही होना चाहिए। भला वह स्पेनिश क्यों नहीं हो सकता? सरकार को सलामी खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि सुअर गिनने से। मनमोहन चावला ने उलझनपूर्ण भाव से उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है आम खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि पेड़ गिनने से, बंदर जल्दी से बोला। देखिए, मनमोहन चावला धैर्यपूर्ण स्वर में बोला, वास्तव में पोस्टमार्टम तो यहाँ की पुलिस के डॉक्टर का किया भी चल सकता है, लेकिन तब उस पर बार्सिलोना में स्थित भारतीय दूतावास की स्वीकृति का ठप्पा लगना जरूरी है। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वे तो हमारी रत्ती भर भी मदद करने को तैयार नहीं। वे तो इस भावना को ही नहीं समझते कि मेरे भाई की लाश को भारत ले जाया जाना क्यों जरूरी है। आप यह कहना चाहते हैं कि अगर पोस्टमार्टम भारतीय डॉक्टर करे तो उसकी रिपोर्ट पर दूतावास का ठप्पा लगाना जरूरी नहीं? जी हाँ, हमने दूतावास से यहाँ तक प्रार्थना की कि वे हमें यहाँ मौजूद किसी भारतीय डॉक्टर का पता ही बता दे, लेकिन वे इसके लिए भी तैयार न हुए। वे तो साहब हमें यूं दुत्कार कर भगा देते हैं जैसे हम इंसान न हो, कुत्ते हों। आई सी, आपको अपने ढूंढे कोई भारतीय डॉक्टर नहीं मिला? मैंड्रिड में एक भारतीय डॉक्टर मिला था, लेकिन वह दूतावास से संबंध था, इसलिए उसने ऐसा कोई काम करने से साफ इनकार कर दिया और हमने बहुत तलाश किया, लेकिन हम अपनी तलाश में कामयाब नहीं हुए। फिर सौभाग्यवश हमें आपकी खबर लग गई। आप पोस्टमार्टम की मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? बंदर बौखलाकर बोला। जी हाँ, और मुझे उम्मीद है कि इस संकट की घड़ी में आप हमारी सहायता करने से इनकार नहीं करेंगे। लेकिन भाई साहब, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आप मजाक कर रहे हैं, आप यहाँ मेडिकल कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ने आए हैं, फिर भी आप कहते हैं कि आप डॉक्टर नहीं हैं। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ओ डॉक्टर प्लीज, अब मैं आपको कैसे समझाऊँ? अच्छा, मान लिया मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं पोस्टमार्टम नहीं कर सकता, करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। मुझे तो लाश देखकर बेहोशी का दौरा पड़ने लगता है, उसकी चीर फाड़ तो मैं सपने में भी नहीं कर सकता। डॉक्टर? चाचा जी, मैं नकली डॉक्टर हूँ, मेरे पास केवल डिग्री है,
लेकिन हकीकत में मुझे नब्ज देखने तक की तमीज नहीं है। नब्ज आपको देखने भी नहीं है, आपने पोस्टमार्टम करना है और वह मैं जानता हूँ आप कर सकते हैं। नहीं कर सकता, कसम जीना तमान की। आप कर सकते हैं, पोस्टमार्टम तो डॉक्टरों से विद्यार्थी काल में भी करवाया जाता है। मैं वैसा विद्यार्थी भी कभी नहीं रहा। जिस वक्त कॉलेज में ऐसी कोई क्लास चल रही होती थी, उस वक्त मैं डॉक्टरी की जगह जुग्राफी में दिलचस्पी ले रहा होता था, किसी एंटी फ्लोजिस्टिन लड़की के जिस्म के जुग्राफी में। डॉक्टर, मैं मानता हूँ आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। कोई और वक्त होता तो हम भी आपकी मजाक पसंदगी का आनंद उठाते, लेकिन मौजूदा हालात में मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। सुनिए, आप MBBS डॉक्टर हैं। हूँ, लेकिन आप यहाँ एक प्रशिक्षित डॉक्टर की ही हैसियत से आए हैं। हाँ, लेकिन फिर हमारा काम चल सकता है। यहाँ का कानून यही कहता है कि पोस्टमार्टम किसी सनद प्राप्त भारतीय डॉक्टर द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि आप हैं। लेकिन मेरे बाप, बंदर झल्लाकर बोला, मुझे पोस्टमार्टम करना नहीं आता। शायद आप यह समझ रहे हैं कि हम फोकट में ही आपको तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम आपके काम का भरपूर मेहनताना आपको देंगे। अरे, सवाल मेहनताने का नहीं है, सवाल तो इस बात का है कि जो काम आप मुझे करने के लिए कह रहे हैं वह मेरे बस का तो हो। डॉक्टर, भगवान के लिए एक कुर्बानी समझकर ही आप हमारा काम कर दीजिए। क्या एक इंसान का दूसरे इंसान की मदद करना फर्ज नहीं बनता? फिर आप तो डॉक्टर हैं, हमारे वतन के हैं। लेकिन बंदा परवर, मैं अगर आप पोस्टमार्टम कर दे तो हम आपको 10,000 रुपये देने को तैयार हैं। मंदर सक पकाया, एक मामूली पोस्टमार्टम की उजरत 10,000 रुपये? हे भगवान, यह क्या गोरख धंधा था। वह आपकी मेहरबानी है, लेकिन 20,000? नहीं जनाब, यह काम तो फिर 30,000। एकाएक बंदर भयभीत हो उठा, पोस्टमार्टम की उजरत 30,000 रुपये? इस वक्त मेरी हैसियत 30,000 से ज़्यादा देने की नहीं है, होती तो मैं किसी भी बड़ी रकम से इनकार न करता। मैं अपने भाई की अंतिम इच्छा पूरी करने की खातिर अपना सब कुछ लुटा सकता हूँ। मुझे अफसोस है, बंदर दृढ़ता से इनकार में सिर हिलाता हुआ बोला, यह काम मेरे बस का नहीं। डॉक्टर, प्लीज़, आई एम सॉरी, एक बार फिर सोच लीजिए। आई सैड आई एम सॉरी। अच्छा, मनमोहन चावला आ भरकर बोला, अच्छा जैसी आपकी मर्जी। फिर वे चुपचाप एक दूसरे के पीछे चलते हुए कमरे से बाहर निकल गए। बंदर ने उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। वे चारों आदमी बाहर गलियारे में आकर ठिठक कर खड़े हो गए। उनके चेहरों से गम के भाव गायब हो गए। भतीजों में से एक मनमोहन चावला से बोला, क्या ख्याल है? बढ़िया, मनमोहन चावला संतुष्ट स्वर में बोला, यह आदमी ठीक रहेगा। यह अच्छी तरह मालूम कर लिया है ना कि यह आदमी यहाँ अकेला आया है। हाँ, यानी कि अगर इसे कुछ हो जाए तो यहाँ फौरन फसाद खड़ा करने वाला इसका कोई हिमायती नहीं? जी हाँ, डुबोना कैसा रहेगा? इसकी लाश हफ्तों बाद कहीं किनारे आकर लगेगी। लोग समुद्र में डूबते ही रहते हैं, कोई हैरान नहीं होगा। वह हौले से मुस्कुराया, फिर चारों होटल से बाहर निकल गए। क्या बात है? रूबी बंदर को देखते ही हड़बड़ाकर बोली, क्या हो गया है? बंदर धम से उसकी बगल में बैठ गया। लो, यह पी लो, रूबी बोली और उसने अपना जिन का गिलास जबरदस्ती बंदर के हाथ में थमा दिया। बंदर ने एक सांस में गिलास खाली कर दिया। तुम्हारी शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने भूत देख लिया हो, रूबी बोली। उसने वेटर को और ड्रिंक्स लाने का संकेत किया। एक नहीं, 4 भूत देखे हैं, मंदर तनिक हाँफता हुआ बोला। क्या हुआ? फिर वही पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम? तुम्हें फिर कोई कह रहा था कि पोस्टमार्टम मत करना? नहीं, इस बार 4 आदमी मुझे पोस्टमार्टम करने के लिए मजबूर करने आए थे। वे मुझसे कोई पोस्टमार्टम कराना चाहते थे, जिसके बदले में वे मुझे 30,000 रुपये देने के लिए तैयार थे। रूबी के मुंह से सीटी निकल गई। तुमने क्या जवाब दिया? उसने पूछा। मैंने इनकार कर दिया, बंदर बोला। पोस्टमार्टम करना मेरे बस की बात है ही नहीं। मुझे तो सालों से डर लगने लगा था। मुझे लगने लगा था कि वे फिल्मों की तरह मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से उठा ले जाएंगे और ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम कराएंगे। साले बड़े अदब से पेश आ रहे थे, बड़ा मीठा मीठा बोल रहे थे, लेकिन अगर मरने वाला दादा था तो वे भी ज़रूर दादे ही होंगे।
मरने वाला कौन? जिसका मुझे पोस्टमार्टम करने को कहा जा रहा था, कोई हरबंस लाल चावला, जिसे कल रात किसी ने बार्सिलोना में गोली से उड़ा दिया था। वह खबर तो मैंने अखबार में पढ़ी थी, रूबी बोली। तभी वेटर ड्रिंक्स ले आया। रूबी ने उसे पिछले दिन का अखबार लाने के लिए कहा, जो वेटर ने तुरंत ला दिया। रूबी ने एक स्थान से अखबार खोला और उसे बंदर के आगे कर दिया। पढ़ो, वह बोली। बंदर ने खबर पढ़ी। अखबार के अनुसार 44 वर्षीय हरबंस लाल चावला निष्कासित भारतीय था। वह जरायम पेशा आदमी था और भारत से 20 लाख रुपए का इनकम टैक्स का गोलमाल करके फरार हुआ अपराधी था। कल उसे किसी अनजान आदमी ने बार्सिलोना के एक बार में गोली मार दी थी। बंदर ने अखबार एक और रख दिया। यह तो बड़ा खतरनाक मुजरिम था, रूबी ने बताया। इसके नाम के तो कई देशों की पुलिस ने वारंट निकाले हुए थे। मादक द्रव्यों की तस्करी के अभियोग में कई देशों की सरकारों को इसकी तलाश थी। तुमने अच्छा किया जो इस झमेले में पड़ने से साफ इनकार कर दिया। बंदर चुप रहा। वे अब फिर तो तुम्हें तंग नहीं करेंगे? रूबी ने पूछा। उम्मीद तो नहीं, मैंने तो उनसे साफ साफ इनकार कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं कि अब वे फिर मेरे पास आए। अच्छा है। दोनों उठकर डाइनिंग हॉल में आ गए। वहां उन्होंने पुर्तगाल की लाल मदिरा की पूरी बोतल के साथ बड़ा शानदार स्पेनिश खाना खाया। खाने के बाद वे कॉफी और ब्रांडी के लिए बार में आ गए। चलो मेरे कमरे में चलें, एकाएक बंदर बोला। नशा उस पर हावी होने लगा था। वहां क्या है? रूबी ने मुस्कुराकर पूछा। वहां बालकनी में से समुद्र का बड़ा बढ़िया नजारा होता है। अंधेरे में? मैं तुम्हें एक बड़ी एंटी फ्लोजिस्टिन चीज दिखाऊंगा। मैं अजनबी मर्दों की एंटी फ्लोरेसेंट फ्लोजिस्टिन फ्लोरेसेंट चीजें देखना पसंद नहीं करती। तुमने वादा किया था, मुझे याद नहीं। अच्छा चलो बीच पर घूम कर आए। ना, यह कानून के खिलाफ है। पुलिस पकड़ कर ले जाती है और फिर यहाँ के बीच के रेत बड़ी खुरदुरी है। बंदर ने अपना ब्रांडी का गिलास खाली किया और बोला, मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें एक बड़ा पैराप्लास्टिक चुटकुला सुनाऊंगा। मैंने सब चुटकुले सुने हुए हैं। ज़रूर सुने होंगे, लेकिन पैराप्लास्टिक चुटकुला एक भी नहीं सुना होगा। ऐसे चुटकुले केवल बंदर को आते हैं। किसे? मेरा मतलब है डॉक्टर जुगल किशोर को। यही सुनाओ। नहीं, वह चुटकुला तन्हाई में सुनने लायक है। तुम्हारे कमरे की तन्हाई में? हाँ, जाने दो। चुटकुला सुनकर मैं हंसती बहुत जोर से हूँ। बहुत रात हो गई है, आसपास के लोग जाग जाएंगे और गालियाँ देंगे। देखो, बंदर बड़े सब्र के साथ बोला, मैं तुम पर अपने सारे स्टॉक फार्मूले इस्तेमाल कर चुका हूँ। अब एक आखिरी फार्मूला रह गया है, इजाज़त हो तो वह भी इस्तेमाल कर देखूँ। इजाज़त है, रूबी बड़ी दयानतदारी से बोली। बंदर ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और आगे को झुककर रूबी की कान के साथ मोर लगाता हुआ बोला, हराम जादी उल्लू की पट्टी चलती है या सबके सामने घसीटता हुआ लेकर चलूँ? रूबी एकदम उठकर खड़ी हो गई और बड़ी मासूमियत से बोली, तुम्हारा कमरा कौन से फ्लोर पर है? कमरे में नीम अंधेरा था। रूबी ने हौले से एक आह भरी और बंदर के साथ चिपक गई। बंदर हौले हौले उसके बालों में उंगलियां फिराता रहा। कैसा लगा मेरा पैराप्लास्टिक चुटकुला? बंदर ने हौले से पूछा। बहुत अच्छा, रूबी अपनी टांगे उससे लिपटाती हुई बोली। पंचलाइन कैसी थी? बहुत बढ़िया, बहुत हंसी आई। एक चुटकुला और सुनाऊं? अभी नहीं, पहले चुटकुले ने मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा हंसाया है। मेरी पसलियाँ दुख रही हैं, थोड़ी देर ठहर कर सही। ओके। फिर बंदर को ऐसा लगा जैसे वह सो गई हो। बंदर ने हाथ बढ़ाकर सिगरेट का पैकेट उठाया और एक सिगरेट सुलगा लिया। अभी वह सोने के मूड में नहीं था। अभी वह रूबी को एक चुटकुला और सुनाना चाहता था। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। बंदर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। रूबी बस सतूर सोई रही। हेलो, वह धीरे से माउथ पीस में बोला। डॉक्टर जुगल किशोर? किसी ने पूछा। हाँ, मैं मनमोहन चावला बोल रहा हूँ। मैं आपको यह बताने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ कि अब हमारी समझ में आ गया है कि आप पोस्टमार्टम करने से क्यों इनकार कर रहे थे। क्या समझ में आ गया है आपके? आपने हमें बताया क्यों नहीं कि इस बारे में कोई पहले भी आपसे बात कर चुका था? मतलब, बीच पर आपने पोस्टमार्टम के बारे में एक स्पेनिश से बात की थी। उसने पोस्टमार्टम न करने के लिए आपको कितनी रकम की ऑफ़र दी थी? मुझे ऐसी कोई ऑफ़र नहीं मिली। देखिए, जितनी भी रकम वे आपको दे रहे हैं,
हम उससे दोगुनी बड़ी रकम आपको देने के लिए तैयार हैं। अब ठीक है, लेकिन भाई साहब देखो, एकाएक चावला की आवाज़ कर्कश हो उठी। मेरे पास लाग लपेट और मूर्खता भरी बातों के लिए वक्त नहीं है। तुम्हें मेरे भाई का पोस्टमार्टम करना ही होगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। सॉरी, मैं नहीं कर सकता। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे मालूम है कि तुम पहले क्या कह चुके हो, लेकिन फिर भी वह काम तुम्हें करना होगा। इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर तुम यूं ही इनकार करते रहे, या तुमने स्पेन से कहीं खिसक जाने की कोशिश की, या किसी के बारे में कोई बात करने की कोशिश की, तो मजबूरन हमें तुम्हारा कत्ल कर देना पड़ेगा। बंदर चुप रहा। बात घुसी भेजे में? चावला ने पूछा। घुसी, बंदर बोला। तो फिर नमस्ते। संबंध विच्छेद हो गया। बंदर ने धीरे से रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। हे भगवान, वह किस गोरख धंधे में फंसा जा रहा था? वह यहाँ मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाषण देने आया था, या कत्ल होने? उस संकट की घड़ी में उसे सुनील की बड़ी याद आई। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।